हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से सूट की यानी कि कमीज़ की कटिंग करना सीखेंगे और ये वीडियो स्पेशली बिगनर्स के लिए है। इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान तरीका बताने वाली हूँ कमीज़ की कटिंग करने का और ये बिगनर्स सीरीज़ की 4th क्लास है। अगर आपको बाकी क्लासेस देखनी है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही ज़्यादा ईजी और आसान तरीका बताने वाली हूँ। अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फुल मेजरमेंट्स के साथ कहाँ पे आपको कितनी लूजिंग रखनी है उसके साथ आपको पूरी जानकारी के साथ बताऊंगी कि आपको सूट की कमीज़ की कटिंग कैसे करनी चाहिए किसी के नाप के अकॉर्डिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो जो कि बहुत ही ईजी और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग होने वाली है। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगी और अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 मीटर का कपड़ा लिया है। अगर आप इससे कम लेंथ बना रहे हैं तो आप इसे 1.5 मीटर में भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम कपड़े को देखिए इस तरह से खोल लेंगे और ये देखिए हमने पूरा कपड़ा खोल लिया है। अब इसको हम बिल्कुल बीचों बीच में से फोल्ड कर लेंगे। जो हमारी सीधी वाली साइड है वो आपको अंदर की तरफ रखनी है और किनारी वाली साइड आपको अपनी तरफ रखनी है। कपड़े को बिल्कुल अच्छे से बिछा लेंगे और देखिए कपड़े को अभी हमने एक बार फोल्ड किया है। अब इसको हम इस तरह से बीच में से फोल्ड करेंगे तो ये कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में हो जाएगा। इसमें हम अपने फ्रंट और बैक पार्ट दोनों एक साथ कटिंग करेंगे। बिछा लेना है। ये देखिए कपड़े को अच्छे से बिछाने के बाद अब हम कमीज़ ले लेंगे और जो भी आप कमीज़ ले रहे हैं उसको पहले आप अच्छे से प्रेस कर लीजिए ताकि इसमें की जितनी भी सिलवटें हैं वो अच्छे से निकल जाएँ। अब देखिए बीच सेंटर से, नेक के सेंटर से और नीचे से आप इस तरह से इसको पकड़िए और ये वाले साइड्स आपके बिल्कुल बराबर रहने चाहिए यहाँ से। तो इसको बिल्कुल बराबर रखते हुए आपको हर साइड से इसको बराबर रख लेना है और ऊपर वाले आर्महोल को आपको नीचे वाले आर्महोल से बिल्कुल मिला के रखना है और जो आपके कमीज़ का फोल्ड वाला साइड है आपको कपड़े के फोल्ड वाले साइड की तरफ इस तरह से रखना है। दोनों फोल्डेड साइड आपके एक साइड पर रहेंगे। बिल्कुल आपको इसे अच्छे से बिछा लेना है। कमीज़ के बीच में कोई भी सिलवटें नहीं रहनी चाहिए वरना आपका जो फिटिंग है वो अच्छे से नहीं आएगा। तो अब देखिए बिल्कुल हमने अच्छे से बिछा लिया है। यहाँ से आपका थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा भी रहना चाहिए। हमारा जो हम कटिंग कर रहे हैं ये बिछाने के बाद आपकी कमीज़ थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा रहना चाहिए जिससे कि जब हमें मार्जिन भी चाहिए होगा। अब यहाँ से हम अपने तीरे के लिए निशान लगाएंगे तो सबसे पहले आप नेक की चौड़ाई के निशान लगाइए। यहाँ पर हमारे नेक की चौड़ाई 3 इंच आ रही है जो कि बिल्कुल ठीक है। अगर ये आपको कम ज़्यादा लगता है तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ से कंधा भी करीब 3 इंच है बट यहाँ से हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि हमें मार्जिन भी चाहिए होगा सिलाई के लिए। अब देखिए जो भी आपकी सिलाई आपकी कमीज़ की फिटिंग है आपको उसे देखिए इस तरह से ट्रेस कर लेना है और जो आपकी कमर, हिप और आर्महोल वाला एरिया है वहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन भी बना लेंगे जिससे कि हमें अपनी फिटिंग्स का पता रहे। तो ये देखिए ये हमारी कमीज़ की तैयार लेंथ है। यहाँ पर मुझे इतनी ही लेंथ चाहिए तो मैं यहाँ पर निशान लगा लूँगी। अगर आपको छोटी या बड़ी चाहिए तो देखिए इस तरह से आप कपड़े को फोल्ड करके इसको आप छोटा भी कर सकते हैं, यहाँ पर निशान लगा सकते हैं। और अगर आपको बड़ी चाहिए तो आप नीचे से इसको बड़ा भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो देखिए हमने सारे निशान लगा लिए हैं। अब हम कमीज़ को हटा देंगे और इन निशानों को अब हम थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। और देखिए ये निशान लगाने के बाद यहाँ से आपका कपड़ा जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहना चाहिए क्योंकि ये जो हमने निशान लगाया है ये हमारी फिटिंग का निशान है क्योंकि यहाँ पर हमारी सिलाई आएगी। इसके आगे भी आपको कपड़ा चाहिए होगा जो कि आपके मार्जिन के लिए होगा। तो यहाँ से आपका कपड़ा हमेशा एक्स्ट्रा रहे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले अब हम अपने मुड्ढों के यानी कि आर्म होल के निशान लगा लेंगे। तो ऊपर से पहले आप पूरा मेजर कर लीजिए, ये हमारा करीब 6.5 इंच आ रहा है। तो नीचे से देखिए जो हमारा चेस्ट वाला एरिया है वहाँ से आपको बिल्कुल 6.5 इंच पर निशान लगा लेना है और इस लाइन को हम बिल्कुल स्ट्रेट कर लेंगे। और यहाँ पर अब हम गोलाई देंगे तो यहाँ से करीब 1.5 इंच अंदर की तरफ एक निशान लगाएंगे और अपने चेस्ट वाले निशान से इस तरह से गोलाई देंगे। ये हमारे बैक पार्ट का आर्महोल होगा। अब नीचे से करीब 1/2 इंच अंदर की तरफ एक निशान लगाएंगे, ये देखिए यहाँ पर, और ऊपर वाले निशान से बिल्कुल इसको मिला देंगे। ऊपर से आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं रखना, बिल्कुल मिलाकर रखना है। और यहाँ से भी अब हम इसको गोलाई दे देंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट का आर्महोल होगा।
ये देखिए इस तरह से, और अब यहाँ से करीब डेढ़ डेढ़ इंच का निशान लगाएंगे अपने मार्जिन के लिए। तो पूरे में हम यहाँ से देखिए ऊपर से यहाँ तक डेढ़ इंच पर निशान लगा लेंगे, और नीचे देखिए हमने केवल आधा इंच का ही एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा है क्योंकि यहाँ पर हम लेस लगाएंगे। अगर आपको तुरपाई करनी है तो यहाँ पर आप 2 से 2.5 इंच तक एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़िए। अब सारे निशानों को हम मिला लेंगे और अपने कमीज़ की कटिंग करेंगे। तो एक चीज़ की आपको ध्यान रखना है कि आप अपना कपड़ा 4 फोल्ड में कट कर रहे हैं, तो आपको अपना ज़्यादा वाला आर्म होल यानी कि बैक पार्ट वाला आर्म होल ध्यान में रखते हुए कट करना है। अब इन निशानों पर हम कट्स लगा लेंगे। देखिए हमने कटिंग कर ली है, अब आप अपने बैक वाले पार्ट को अपने आगे वाले पार्ट से अलग कर लीजिए और इसको इसी तरह से बीच में से फोल्ड कर लेंगे। और यहाँ से अब हम इसके आर्म होल की गोलाई देंगे, गहराई करेंगे अपने आगे वाले आर्म होल की। और अब हम अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए स्लीव्स के लिए मैंने ये कपड़ा ले लिया है और इसको पहले आपको देखिए एक बार फोल्ड करना है बीच में से, और यहाँ से अब हम इसको एक बार और फोल्ड करेंगे। तो ये कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में हो जाएगा, यानी कि हमारी दोनों स्लीव्स एक ही साथ निकलेंगी। अब आप अपना कमीज़ ले लीजिए और इसको देखिए आपको इस तरह से बिछाना है। ये देखिए यहाँ से हमारी स्लीव्स की लेंथ आ जाएगी और ये हमारा आर्म होल रहेगा। देखिए ये हमारी फिटिंग है बिल्कुल, तो आपको कपड़ा एक्स्ट्रा रखना होगा। ऊपर से देखिए हम थोड़ा सा आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे क्योंकि हमें अपनी सिलाई के लिए मार्जिन भी रखना होगा अपनी लेंथ में। तो देखिए मेरी लेंथ भी बिल्कुल इसी रहेगी। अगर आप कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग कम कर सकते हैं। अब बिल्कुल इसी के फिटिंग को ध्यान में रखते हुए हम इसको ट्रेस कर लेंगे और यहाँ से हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है। तो देखिए इसको अब हम हटा देंगे। अब यहाँ से आपको अपनी आर्म होल के लिए गोलाई देनी है, तो यहाँ से आप इस तरह से गोलाई दे दीजिए। और यहाँ से अब हम अपने मार्जिन के लिए निशान लगा लेंगे जैसे कि हमने कमीज़ में लगाया है डेढ़ डेढ़ इंच पर। और अब इन्हीं निशानों को फॉलो करके हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अब इसको बीच में से हम खोल लेंगे, ये देखिए इस तरह से, और ये दोनों स्लीव्स हमारी अलग अलग होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम देखिए गहराई देंगे, तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी गहराई देनी है, ज़्यादा गहरा नहीं करना। इसी तरह से हम यहाँ पर गहराई दे देंगे और ये हमारे आगे वाले पार्ट्स हैं, तो यहाँ पर हम निशान भी लगा लेंगे। तो देखिए कितने आसान तरीके से हमने अपने कमीज़ और स्लीव्स की कटिंग कर ली है। सो ये बहुत ज़्यादा आसान है और यूनिवर्सल भी है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कम टाइम लेता है आपकी एक सूट की कमीज़ की कटिंग करने में, क्योंकि आपको सिंपली एक सूट लेना है और उसको फोल्ड करना है बीच में से और निशान लगाकर फिटिंग के उसको कट कर देना है। तो ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल भी है और यूनिवर्सल भी है। और देखिए अगर आपको कटिंग करना नहीं भी आता है, अगर आप इंची टेप से निशान नहीं लगा पाते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है आपके लिए और आप अपना सूट आसानी से कट कर सकते हैं। और इसमें मैं आपको गले की यानी कि नेक की कटिंग नहीं बता रही हूँ क्योंकि गला हम हमेशा बुकरम के ऊपर बनाते हैं। जी हाँ, अगर आप आड़ी पट्टी लगाकर अपना गला बनाना चाहते हैं तो आप अभी अपना नेक कटिंग कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम बुकरम लगाकर अपना गला बनाएंगे क्योंकि बुकरम के साथ ही गला कट होता है, तो हम पहले अपना नेक नहीं कट कर रहे हैं कमीज़ में। और आई होप कि आप लोगों को ये मेथड समझ आया होगा। और अगर आपको इस सूट की स्टिचिंग देखनी है कि हम सूट पर सूट रख कर स्टिचिंग कैसे कर सकते हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बहुत ही ईजी और आसान तरीके से देखिए हमने कमीज़ की कटिंग कर ली है। ये वीडियो स्पेशली बिगनर्स के लिए है, इसलिए मैंने इसे जितना मुझे आता था उतना मैंने इसे ईजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। और अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझसे कॉमेंट्स में
पूछ सकते हैं, मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसी ही अमेजिंग और न्यू वीडियो के साथ, और आप मुझे न्यू अपडेट्स देखने के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। एंड मेरा सेकंड चैनल है जिस पर मैं न्यू डिज़ाइंस आपके साथ शेयर करती हूँ, तो आप उसको भी चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और उसका नाम है रुखसार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें। खुदा हाफिज़।